जब हमने फैसला किया था, पहली बार मैंने जो विज़िट किया था भीमगढ़ फोर्ट में, जो मुझे बताया गया था कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है क्लिनलेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल नहीं क्लिनलेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोगों ने डिसाइड किया सबने मिलकर कि एक मुहिम शुरू करेंगे। कम से कम जो हमारे बस की बात है वो थी सफाई करना, वो हम शुरू करेंगे। और हमने शुरू की उसको, सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे उनका शेड्यूल बनाया ताकि ये रोज़ के रोज हो जाए, ये एक दिन का नहीं अफेयर है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहे। और उसको कायम किया और वो चल भी रहा है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो बोलते हैं हमें भी एक दिन दिया जाए ताकि हम भी जाकर वहाँ साफ़ कर सकें। मेन मकसद सफाई का था कि लोग यहाँ पर आएँ, देखें अपनी, ये एक आइकॉनिक फोर्ट है, रियासी की शान है, मैं बोलती हूँ एक शान है, आन है, रियासी लोगों की पहचान है। तो उस पहचान को कायम करने के लिए, उसको एक लेवल तक ले जाने के लिए सभी की पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन की आवश्यकता है। और वही एक हमारी मकसद था कि यहाँ पे सभी को लाना, साफ़ करना और देखना कि हम अपने फोर्ट्स, हेरिटेज फोर्ट्स को किस हालत में छोड़ते हैं। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये खुद हमारे अंदर होनी चाहिए कि आज चलो आज हम भीमगढ़ फोर्ट साफ़ कराएं। मकसद ये था। हमने तो अपने जो डिपार्टमेंट के लोग थे उनके लिए एक ऑर्डर इशू किया और उन्होंने ऑर्डर का कंप्लाइंस करना था, उन्होंने किया। मेरी इनफैक्ट आज जो बैसाखी का मेला हम कर रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इनफैक्ट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, एक इवेंट मैनेजर को लाकर पूरा का पूरा लाइटनिंग करना, एक एक प्रोग्राम को ठीक से शेड्यूल करना और उस पर लोगों का जो जितने भी रियासी वासी हैं उनको यहाँ तक ले के आना और उनमें एक उत्साह पैदा करना, वो बहुत बड़ी उनका एक कंट्रीब्यूशन है। और टूरिज्म डिपार्टमेंट इसकी तरफ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। शाम का जो आप प्रोग्राम देखेंगे, जैसे आज हमने हेरिटेज वॉक से शुरू किया है भीमगढ़ फोर्ट में, कोना कोना जाकर लोगों को दिखाना कि ये क्या है। और ख़ासकर हमारी यंग जनरेशन जो है, मैं चाहती हूँ ये जुड़ने चाहिए इस ऐतिहासिक फोर्ट के साथ, इनको आना चाहिए, अपना एक दिन, हफ्ते का एक दिन यहाँ पर समर्पित करना चाहिए कि आ जाकर हम ये साफ़ कराते हैं। आप देख रहे हैं दीवारों में इतने पौधे लगे हुए हैं, मेरे को नज़र आ रहे हैं, मन करता है कि मैं भी सीढ़ियाँ पकड़ूँ और फटाफट नीचे खींच लूँ।